वन वेलकम टू कर टूडेज लेक्चर विच इज चैप्टर नंबर फोर ऑफ पेपर बी का सिस्टम पेपर ए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है जिसकी प्ले लिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी अंड जो पेपर बी है वो हम नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन से कवर कर रहे हैं तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है वो अपलोड करती रहती हूँ उस ग्रुप में ठीक है तो हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर हो गया है पेपर बी का तो वो तीनों चैप्टर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो स्टे ट्यून बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज़ ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं इन इनकेस यू वांट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली एंड आपकी कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम को लेके या सोशोलॉजी को इन जनरल लेके कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं करंट क्रांच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पे तो आने वाले टाइम में इसमें कुछ एडिशन भी होगा नितिन सांगवान की सीरीज जैसे हमारी कवर होती है हम uh, मैं फिर वीडियो लेके आऊंगी आपके एडिशनल थिंकर्स के ठीक है ताकि आपके पास कुछ रेडीमेड नोट्स वगैरह हों जिससे आपको रिविजन करना ईजी हो जाए देन इग्नो का क्या भी मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा वो मटीरियल uh, के भी वीडियोस में बनाऊंगी एंड देन विजन आई की जो चेक्ड आंसर कॉपीज होती हैं आई एस सोशोलॉजी के एग्जाम की चेक्ड आंसर कॉपीज उनपे भी हम वीडियो डिस्कशन जो है वो लेके आएंगे ठीक है तो स्टे ट्यून डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो देखते हैं कास्ट में हमें क्या पढ़ना है कास्ट जो इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन सोशल सर्टिफिकेशन हमने पेपर ए में पढ़ लिया था इन डिटेल दिस इज योर डिविजन ऑफ सोसाइटी इन टू वेरियस लेयर्स ठीक है ये जो स्टार्टिफिकेशन है ये डिराइव हुआ है वर्ड स्ट्राटा से स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स तो जब हम बोलते हैं कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन दैट मीन्स कास्ट के बेसिस पे क्या किया है आपने सोसाइटी को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है ठीक है वो जैसे ब्राह्मण्स हैं आपके फिर आपके क्षेत्रियाज है, हैं फिर वेशियाज हैं शूदराज हैं तो ऐसे करके आपने सोसाइटी को क्या किया है डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो इसको आप क्या बोलते हो कास्ट बेस्ड सोशल स्टार्टिफिकेशन ठीक है तो हम इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कास्ट जो है ये क्लोज सिस्टम ऑफ स्टार्टिफिकेशन हम देखो क्लोज एंड ओपन क्या होता है अगर हम किसी को क्लोज सिस्टम कहते हैं दैट मीन्स मोबिलिटी जो है वहाँ पे बहुत रेयर या इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और जो ओपन सिस्टम होता है वहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हो अप एंड डाउन द हायर आरकि फॉर एग्जांपल क्लास सिस्टम क्लास सिस्टम जो है रिलेटिवली ओपन है अगर आप मिडिल क्लास के हो एंड अपनी जनरेशन में आप क्या करते हो आपके पास एजु एजुकेशन अच्छी है आपकी इनकम अच्छी है इन दो चीज़ों से आप अपना स्टेटस इंक्रीज करते हो तो विद इन योर ओन जनरेशन आप मिडिल मिडिल क्लास से एक हाई क्लास कैटेगरी में अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में आ सकते हो लेकिन अगर आप एक शूद्र पैदा हुए हो तो आपके लिए कितना ही मुश्किल होगा एक ब्राह्मण बनना ठीक है तो ये बोला जाता है कि मोबिलिटी जो है कास्ट सिस्टम है ऑल दो इसको लेके फिर अलग व्यूज बने कुछ थिंकर्स ने कहा इतनी जो है इमोबाइल नहीं है इतना रिजिड नहीं है कास्ट सिस्टम जितना इसको बोला गया है खैर वो डिफरेंट पर्स्पेक्टिव है डिफरेंट थिंकर्स के हम पहले जनरल बात करते हैं जनरली कास्ट सिस्टम को काफी रिजिड स्ट्रक्चर बोला जाता है जहां मोबिलिटी इतनी आसान नहीं है जैसे कि मैंने आपको कहा क्लास सिस्टम में होती है तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है जो एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में फॉर मोर देन थ्री हंड्रेड ईयर्स इन हिंदू सोसाइटी और जो उसका एग्जैक्ट ऑरिजिन है इट्स स्टिल नॉट नोन हमें एक्जैक्टली exactly नहीं पता कहाँ से आता है तो हमारे पास इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थियोरीज बनी है ठीक है क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट एक ऑरिजिन पॉइंट इसका नहीं पता है तो मेजरली ये हिंदू रिलीजन में होता है लेकिन इसमें चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो है वो डिफ्यूज हुआ है बाकी रिलीजन्स में भी तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वगैरह में भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत कास्ट सिस्टम उन रिलीजन में भी जो है वो आ गया है एट द बेस ऑफ दिस सिस्टम इज अनदर सिस्टम कॉल्ड वर्ना सिस्टम आप देखो कास्ट सिस्टम को समझने के लिए आपको वर्ना सिस्टम समझना होगा जो इंडियन आपकी हिंदू सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ने हम हिंदू सोसाइटी बोलेंगे क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बाकी सारे रिलिजन भी है जो हमें सेपरेटली डिस्कस करने हैं तो हिंदू सोसाइटी में क्या है सोसाइटी डिवाइड हुई है फोर वर्नाज में जिसको हम बोलते हैं वर्णा सिस्टम या चतुर्वरना इसको बोला जाता है चतुरवर्ण ठीक है यह आपको पता है या ब्राह्मण आ गए टॉप पे देन आपके क्षेत्रियाज आ गए थर्ड आपके वेशियाज गए एंड फोर्थ आपके शूद्राज आ गए ठीक है चार वर्नाज में सोसाइटी डिवाइडेड है देन एक आपको आउटसाइड द एम्बेट ऑफ वर्ना सिस्टम वर्ना फ्रेमवर्क के बाहर भी आपको एक चीज मिलेगी जिसको हम अवर्ना बोलते हैं ये इस चार वर्ना का पार्ट नहीं है ये आपके अनटचेबल्स हो गए सो कॉल्ड अनटचेबल्स ठीक है दिस इज आउटसाइड द एम्बेट ऑफ योर वर्ना सिस्टम ये आपके चार वर्णाज हैं फाइन अब देखो क्या हुआ जब ये स्टार्ट हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में तब जो कास्ट सिस्टम है ऐसा माना जाता है ये इतना रिजिड या इतना क्रूअल शेप में नहीं था जितना ये बाद में लेटर वैदिक में हो गया तो ये जो डिविजन्स थे ये बर्थ के बेसिस पे होते थे एंड ये होता था, था कि ब्राह्मण जो है किसी एक कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे एक ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑफ लेबर थी एंड दो वो ऑक्यूपेशन आप स्विच भी कर सकते थे क्योंकि उस टाइम पे मोबिलिटी जो है वो काफ़ी इजी थी कास्ट सिस्टम में लेकिन विद टाइम क्या होता गया जो जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आ गए तो कास्ट सिस्टम ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया ज्यादा रिजिड हो गया और इसकी जो सेग्रीगेशन है अब इसकी मोबिलिटी आप करना मतलब ये क्लोज सिस्टम बन गया इसकी मोबिलिटी आसान नहीं रही अब आप शूद्र हो तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते पहले क्या होता था इंटरमिक्सिंग होती थी कि काम भी उतना स्ट्रिक्टली डिवाइड नहीं था ठीक है एंड मोबिलिटी भी जो थी वो पॉसिबल थी अर्ली वैदिक में लेकिन टुवर्ड्स लेटर वैदिक आते, आते आते इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आप बोलोगे पहले से नहीं था ऑरिजिनली अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है तीन से अब चार में आ गए तो अभी करंटली क्या बोला दा जाता है चार वर्नर्स है इस वर्णा फ्रेमवर्क के एक फिफ्थ भी है लेकिन दैट इज आउटसाइड द वर्ना सिस्टम इसको अवर्ना बोलते हैं दैट इज आउटकास्ट और अनटचेबल्स ग्रुप जो है ये सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आपको पता है कितनी ज्यादा होती है अब जो वरना है ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है जो आपको मैक्रो फ्रेमवर्क देता है कास्ट सिस्टम का ठीक है ग्रैंड थियोटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फाइन लेकिन जब हम ग्राउंड रियालिटी में देखते हैं जो एक्चुअली डेली लोगों को डील करना पड़ता है वो आपको टर्म मिलेगी कास्ट तो जहां पर वरना एक मैक्रो फ्रेमवर्क है इसके अंडर आपको प्रैक्टिकल रियालिटी मिलेगी इन द शेप ऑफ कास्ट उसको हम कास्ट भी बोलते हैं जाति भी बोलते हैं अब देखो कास्ट और जाति में क्या डिफरेंस है बेसिकली सेम है डिफरेंस कोई नहीं है जो आपका कास्ट वर्ड है ये इंडियन वर्ड नहीं है ये हिंदू हिंदी से नहीं आया है संस्कृत से नहीं आया है ये एक पोर्टीज ऑरिजिन का वर्ड है इसका मतलब होता है आपका रेस और योर लीनिएज और योर ब्रीड ठीक है तो कास्ट जो है हिंदी वर्ड नहीं है अगर उसको हिंदी हिंदू कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो वी यूज द टर्म जाति जाति है आपके वर्ड जना से जना मीन्स टेकिंग बर्थ ये इनके बीच में डिफरेंस है ठीक है इनका ओरिजिन जो है वो अलग है कास्ट का आपका पोर्टुगीज है एंड जना जाति इज योर इंडियन ठीक है ये जना वर्ड से आया है तो लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कास्ट ही यूज करते हैं तो चार वर्नर्स आपको मिलेंगे लेकिन कास्ट और सबकास्ट काफी ज्यादा मिलेंगे जैसे ब्राह्मण्स के अंदर कितने सारे सबकास्ट मिलेंगे फिर उनके अंदर आपको वेरियस गोत्रास देखने को मिलेंगे वो भी हम आगे देखेंगे कास्ट जो है एंडोगेमस ग्रुप है ठीक है एंड फर्दर डिटू सबकास्ट विच आर एंडस एंड सबकास्ट विच आर फर्दर डिस्ट विच आर तो इनको फर्दर सबकास्ट में डिवाइड किया है कास्ट को कास्ट के अंदर आपको सबकास्ट मिलेंगे वो सबकास्ट भी जो होते हैं वो एंडस होते हैं एंडोगैमिस होता है गैमी आप या गैमिस जहां भी देखोगे दैट इज रिलेटेड टू ए मैरिज ठीक है मैरिज एंड एंडो इज विद कास्ट एंडी क्या हुआ कास्ट एंडी इज विद इन योर कास्ट फॉर एग्जाम्पल अरोरा कास्ट अगर है तो वो अगर कास्ट एंडोगी प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने ही कास्ट के अंडर शादी करेंगे एंड इट फॉलोज हिंदू सोसाइटी फॉलोज गोत्र एग्जोगी गोत्र मैंने आपको शायद एक्सप्लेन करा था जब आप अपना ये करते हो ट्रेस अपना एनसिस्टर वो कोई मेथिकल फिगर भी हो सकती है कोई अननोन फिगर से आप अपना एनसिस्टर ट्रेस करते हो जिसको हम क्लैन बोलते हैं इंग्लिश में वो आपके गोत्रास होते हैं तो गोत्र एग्जोगी प्रैक्टिस कर दैट मीनस सेम गोत्र के लोग जो होते हैं सगोत्र भी जिनको बोला जाता है वो शादी नहीं कर सकते तो कास्ट एंडोगैमी होती है एंड गोत्र एग्जोगी होती है अब हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं कास्ट ऑरिजिन की

ब्रह्म पुरुष थे लॉर्ड ब्रह्म जिनको बोला जाता था ही ब्लास्टेड हिमसेल्फ, और जो उनके सर से निकले वो ब्राह्मण्स थे जो उनके थाई उनके इनसे आम से निकले वो क्षेत्र थे थाई से उनके वेशज निकले थे एंड फीट से उनके शूद्राज निकले थे ये बस एक डिपिक्शन थी इसकी ठीक है बाद में इसको ये कलर देना और इंस्टीट्यूशन बनाना वो लेटर वेदिक में हो गया अकॉर्डिंग टू डी एन मजुमदार्ट सिस्टम है इट इज वेग एंड अनसर्टन क्योंकि हमें कोई एक सो नोन ऑरिजिन जो है वो नहीं पता है देर आर टूडे एज मेनी थियरीज रिगार्डिंग दरिजन ऑफ कास्ट सिस्टम एज राइटर्स ऑन द सब्जेक्ट ठीक आपसे कुछ कास्ट सिस्टम देखते हैं डिवाइन ऑरिजिन थियोरी जहां पर भी डिवाइन ऑरिजिन किसी चीज को बोलते हैं दैट मीन्स आप वो आपका वो जो इंस्टीट्यूशन है वो गॉड सेंक्शन है ठीक तो इसको लेजिटिमेसी मिली है कास्ट सिस्टम को आपके शास्त्राजन पुराना से अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी तो जनरल फीलिंग अमंग अमंगूज इट वॉज इस्टैब्लिश बाई गॉड और एटलीस्ट बाई हिज विशेज ठीक है तो इसको फॉलो हमें करना चाहिए पुरुषता हिम इन ऋग्वेद पीपल बिलोंग टू फोर मेन इन वर्ना जैसे मैंने आपको कहा

हु परपोटेड वर्क मनु स्मृति जिसको लॉबुक बोला जाता है इस साइड एज, एज एन अथॉरिटी उसने भी इस व्यू को सपोर्ट करा है कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन थे ये आप बोल सकते हो एक्सटेंशन है डिवाइन ऑरिजिन थेरी का ये कहती है जो कास्ट स्टेटस है वो उसके एक्शन से होता है इंसान के और कर्मा इन द पास्ट इनकार्नेशन जो पुराने जन्म में आपने ये किए हैं कर्म किए हैं उसका इम्पैक्ट आपको इस जन्म में देखने को मिलेगा, आप किस कास्ट में पैदा हुए हो तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप कास्ट वाइज दैट मींस पुराने जन्म का आपका वही कर्म होगा जिसकी वजह से आप इस दुनिया में ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे ऑक्यूपेशनल थियरी the तो याद रख लेना या ये आपको नेस्टफील्ड ने दी थी इन्होंने कहा था जो ऑक्यूपेशन है ये लोन फैक्टर था सिर्फ अकेला ऑक्यूपेशन ही एक ऐसा फैक्टर था विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम इस सिस्टम से पहले क्या होता था जो प्रीस्ट हुड था इट वॉज नॉट द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण जैसे अभी हम देखते हैं प्रीस्ट आपके से ब्राह्मण्स होते हैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन जैसे जैसे थोड़ा रिलीजन में भी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई हिम्स रिचुअल प्रेयर्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते गए तो हैंडफुल ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने क्या किया उस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल की वो चीज़ें सीखी ठीक है जैसे उन वो स्पेशलाइज हो गए उन चीज़ों में दे बिकेम ब्राह्मस वो एंड दे केम टू बी कॉल्ड एज ब्राह्मन तो अकॉर्डिंगली आपकी बाकी कास्ट जो है इवेंचुअली डेवलप हो गई सिमिलरली अदर ऑक्यूपेशंस केम टू बी आइडेंटिफाइड विद अदर ग्रुप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड रिजर्ट जो कि पहले ऐसा नहीं था ठीक है ट्राइबल्स ट्राइब्स एंड रिलीजियस थे थे लोग किसके साथ एसोसिएट करते थे ट्राइब्स के साथ अब किसके साथ करते हैं आइडेंटिफाई कास्ट के साथ दिस चेंज है जो मोस्ट लोअर कास्ट ऑफ टूडे है वमली ट्राइब्स ठीक है तो रिस्ले प्रोसेस भी दिए हैं बाइ विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू कास्ट वॉज इफेक्टेड तो बेसिकली क्या हुआ ट्राइब से किस में आगे लो कास्ट में जैसे सबसे लो कास्ट आप देखोगे वो एक्चुअली कौन से थे आपके ट्राइबल पीपल थे तो ये है आपका थोड़ा वरना फ्रेमवर्क ठीक है ये चार ये अवरना हो गया फिर इसके अंदर आपको सबकास्ट मिलेंगे कास्ट के अंदर आपको सब कास्ट मिलेंगे जो कि एंडोगैमस ग्रुप है फाइन एंड दिस जो वर्ण फ्रेमवर्क है इसमें आपको वेरियस कास्ट्स मिलेंगी वो एंडोगैमस है फिर सेपरेट कास्ट में आपको सब कास्ट फर्दर मिलेंगे जो वो भी एंडोगैमस है सब कास्ट में भी आपको फिर आगे फर्दर डिवीजन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गोत्रस जो आपका एक्सोगैमस यूनिट है दैट मींस उसके इनसाइड आप शादी नहीं कर सकते हो फिर रेशलिय थेरी ये थेरी जो थी किसने दी थी हर्बर्ट रिस्ले ने इन इज बुक पीपल ऑफ़ इंडिया रेशियल डिफरेंसेस एंड एंडोगेमस मैरेजेज लेड टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन्होंने क्या कहा था कास्ट uh, सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था एक्चुअली माइग्रेट किए थे इंडो आर्यनस आए थे पर्शिया से इंडियन सोसाइटी में आए थे और जो इंडो आर्यनस थे दे वर डिवाइडेड इंडो फोर क्लासेस प्रीस्ट वॉरियर्स कल्टिवेटर्स एंड आर्टिजन थे लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपना एक कास्ट सिस्टम जो है वो मेन्टेन रखा दे डिफर्ड फ्रॉम नॉन आर् आर्यन इन कल्चर एंड रेशल ट्रैक्ट तो वो मेन्टेन रखने के लिए वो कैसे उन वो मेन्टेन रखते जब वो यहाँ आए तो यहाँ आके उनको शादियाँ करनी थी ठीक है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सिर्फ हाइपरगैमी प्रैक्टिस की एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रतिलोमा मैरिजिज ठीक है अब ये क्या होता है बेसिकली मैरिजेस हमारी दो टाइप्स की होती हैं इंडियन सोसाइटी हिंदू सोसाइटी में हाइपरगैमी एंड हाइपोगी ठीक है हाइपरगैमी को हम अनुलोमा बोलते हैं एंड हाइपोगी को हम प्रतिलोमा बोलते हैं अनुलोमा में क्या होता है जो लड़का होता है वो हाई कास्ट का होता है एंड लड़की लो कास्ट की होती है एंड प्रतिलोमा इज योर रिवर्स इसमें लड़का लो कास्ट का होता है एंड आपकी जो लड़की होती है वो हाई कास्ट की होती है तो जब नॉन आर्यन तो जब इंडो आर्यन यहाँ पे आए थे पर्शिया से उन्होंने क्या किया उन्होंने हाइपरगैमस मैरिजेस की दैट मीन लड़का वो अपने कास्ट का रखते थे लड़की वो कहां से लाते थे नॉन आर्यन से तो इससे क्या हो गया उनकी ही रेस फर्दर बढ़ती गई और इवेंचुअली क्या बन गया जो कास्ट सिस्टम आपको आज का पता है ठीक है तो ये प्रतिलोमा हाइपोगैमी अनुलोमा हाइपरगैमी ये भी याद रख लेना कलर थ्योरी

ठीक है जिस कलर में इंटरमिक्शन नहीं हुआ दैट मीन्स अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं की अपने ही लोगों में शादी वगैरह हो गई और प्योरिटी ऑफ कलर जो है वो मेन्टेन रहा उससे इवेंचुअली आपका कास्ट सिस्टम इस्टैब्लिश हुआ ऑल इस थ्योरी को रिफ्यूट किया गया है डॉक्टर इरावती कारवे जिन्होंने कहा हर लिटरेचर में ग्रामेट्रिकल वर्क में जो वर्ण है उसका मतलब क्लास होता था कलर कहीं भी नहीं था तो ये थे आपकी कुछ थ्योरीज कास्ट सिस्टम की लास्ट में देखते हैं हम ब्रोकन मैन थ्योरी जो ये अंबेडकर ने दी थी आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वही विद ऑल द प्रवलेंट थियोरीज ऑफ कास्ट और उन्होंने कहा बेसिकली हुआ क्या था कास्ट सिस्टम कैसे आया था ये ब्राह्मणिकल क्लास से आया था बिकॉज दे वांटेड टू मेंटेन इट्स सुपीरियरिटी और अदर क्लासेस इन्होंने ब्रोकन मैन थी से सजेस्ट करा था कि जो शूद्राज हैं वो एक्चुअली ट्राइबल पीपल थे जिनको डिफीट किया गया था वॉर में ठीक है उनको डिफ़ीट किया गया था वॉर में तो वो वो काइंड ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाली कंडीशन हो गई थी Fine. और वो इवेंचुअली क्या हुए थे वो डेवलप हो गए थे सबसे लो कास्ट में क्योंकि वो जो main कास्ट थी वो में हारने के बाद वो अलग हो गए थे उनसे उनसे ब्रेक हो गए थे जो आपके मेन स्ट्रीम कास्ट थी उनसे टूटने के बाद वो एक अलग आपका ये बन गया था पार्ट बन गया था एंड इवेंचुअली एक इसमें डेवलप हो गए थे आपके लो कास्ट में जिनको हम बोलते हैं शूद्रास Despite various theoretical events, it is generally agreed that in its earliest phase, the early Vedic period caste system Jotha was really a Varna system and considered of four major divisions. Further caste system stood for different things in different time periods. Okay? Take different, different time periods may caste system accordingly, change. जो पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ था इट वॉज ओनली सिर्फ पोस्ट वैदिक पीरियड में ही कास्ट सिस्टम थोड़ा रिजिड हो गया काफी रिजिड हो गया इंस्टीट्यूशन दैट इट इज इजे जो आज के हम फॉर्म देखते हैं, ये पोस्ट वैदिक पीरियड से हम इसको ट्रेस करते हैं उससे पहले ये क्या था ये ओपन था और ऑक्यूपेशन जो चेंज हो करना उस कास्ट के फ्रेमवर्क पे वो भी पॉसिबल था अब इसके फीचर्स देखते हैं ये हमने पहले जीएस एस गुरिय में पढ़ लिए है उन्होंने एट्रीब्यूशनल ये दिया था डिस्कशन कास्ट सिस्टम का तो उन्होंने सिक्स एट्रीब्यूट्स दिए थे फीचर्स कास्ट सिस्टम के तो हम आगे कुछ और ऐसे जो मेन जनरल फ्रेमवर्क में हम देखते हैं क्या फीचर्स आते हैं कास्ट सिस्टम के अमंग द वेरियस फीचर्स द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज कंसिडर्ड द फोर मोस्ट फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम ठीक है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम किसे रिलेट करते हैं लुई डॉमोन से उन्होंने बुक लिखी थी होमो हायरार्कस ये हमें आगे देखना है डिटेल में सारी चीजें हमें पढ़नी है तो उन बेसिकली क्या कहा था कास्ट जैसे आपके ब्राह्मण्स हैं ठीक है थीके? वो आपके पाठ पूजा प्रीस वगैरह करते हैं तो मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कास्ट है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कास्ट है जैसे ही आप कास्ट सिस्टम के वर्णन में आप नीचे नीचे उतरते हो डाउन द लेडर तो आप में करप्शन एंड पोल्यूशन एड होती जाती है एंड जो सबसे लोएस्ट रंग कास्ट जो आती है वो मोस्ट पोल्यूटेड है तो वो उन्होंने करप्शन दिया सॉरी ये दिया था इसका कॉन्सेप्ट प्योरिटी एंड पोल्यूशन का बाकी जीएस गुरी ने आपको सिक्स एट्रीब्यूशन जो है फीचर्स वगैरह वो सब चीजें दी थी सम कॉमनली अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्लोज फॉर्म ऑफ स्टार्टिफिकेशन हमने एक्सप्लेन कर लिया एक हायर आरकी है ठीक है हायर आरकी क्या होता है जब आप इनक्वालिटी के बेसिस पे किसी को सुपीरियर और किसी उसके रिलेशन में किसी को इनफीरियर आप क्या करते हो रैंक कर देते हो वन टू थ्री लेवल पर ये भी हमने स्टार्टिफिकेशन में कहा था मैंने क्या कहा था आपको डिफरेंसेज जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं या मैन मेड हो सकती हैं अब जब हम इन डिफरेंसेज को रिवॉर्ड करना शुरू कर देते हैं हम उनको इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियोरिटी उससे आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली सुपीरियरिटी इन्फेरियरटी पे जब हमने इसको इवेल्युएट करना शुरू किया हम एक हायर हार ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं जिसमें किसी को हम रैंक वन पे रखते हैं किसी को रैंक टू पर रखते हैं तो का सिस्टम है आपको एक हायरिकी देखने को मिलेगी यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और लुई डिमोट का प्योरिटी पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ Today, है एज अ सिंगल ट्रू प्रिंसिपल ऑफ टुडे जो रिचुअल फास्ट लूजिंग हाई सिग्निफिकेंस मॉडर्नाइजिंग जोचुअल की वजह से और राइज ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से आज ये चीजें जो हैं काफी ज्यादा ब्लर हो गई हैं फेड आउट हो गई हैं आज प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाली बात नहीं मानी जाती क्योंकि अब मॉडर्न ये हम मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस की वजह से या मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की वजह से जैसे आपके स्कूल्स हो गए हॉस्पिटल्स हो गए ठीक है या आपके थिएटर्स वगैरह हो गए सिनेमाज हो गए तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाता है कि स्कूल में एजुकेशन सिर्फ उनको मिलेगी जो हाई कास्ट के लोग हैं क्योंकि वो प्योर हैं और बाकी इम्प्योर हैं या हॉस्पिटल में सर्विसेज पहले हाई कास्ट को प्रोवाइड करोगे ये सारी चीज़ें नहीं हो गई नहीं होती हैं अब करंटली क्योंकि अभी क्या है राइज ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑल दो कोई आपको इंसिडेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे वो आपको यूज आएंगे अपने आंसर को बैलेंस आउट करने में कि हाँ अभी भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं लेकिन आपको हमेशा अपना आंसर क्या करना होगा एक पॉजिटिव नोट पे ही एंड करना होगा आगे देखते हैं कास्ट बेस्ड ऑफ लेबर मतलब इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिजन ऑफ लेबर होता है इन फैक्ट इन द रिसेंट ऑक्यूपेशन डिफरेंशन इट वॉज टाइम्स इंडिया हैड बीन रूल्ड बाई डिफरेंट रूलर्स जो क्षेत्रियाज नहीं थे के एम पनेकर ने कहा था जो नंदाज थे वर द लास्ट रूल क्षेत्रियाज ठीक है क्योंकि वरना फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या वॉरियर्स कौन है सिर्फ क्षेत्रियाज लेकिन ये बात भी प्रूव की गई कि जो लास्ट ट्रू रूलर्स थे नंदास वो क्षेत्रियाज नहीं थे वो शूद्रास थे पॉइंट भी क्या होता है यहाँ पे थोड़ा इसको वीक कर देता है मॉडर्न ब्राह्मण कैन बी ए है Today, teach, तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है एंडोगेमी हमें पता है वही सारी चीजें लिखी है हाइपरगैमी अनुलोमा हाइपोगी एंड प्रतिलोमा जो मैंने आपको बोला आपके पास और एक चीज है आइसोगी आइसोगी होता है जिसमें स्टेटस जो होता है वो एंड जो प्रतिलोमा है जिसमें लड़की लो कास्ट की होती है एंड पति सॉरी लो कास्ट का होता है एंड आपकी लड़की हाई कास्ट की होती है इसको आप ऐसे भी आज रख सकते हो प्रति लो मींस पति इसमें लो होता है प्रतिलोमा में दैट इज योर हाइपोगी इसके जो ऑफ होते हैं उनको निशा या चंडेल्स बोलते हैं चंडाल्स बोलते हैं ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो जस्ट इन केस यूर अपेयरिंग फॉर यू जी नेट तो वहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं फीडिंग एंड लोकल रेस्ट्रिक्शंस आप इकट्ठे फीड नहीं कर सकते उसको रूल ऑफ कॉमन सैलिटी बोलते हैं कच्चा फूड पक्का फूड में डिफरेंस होती है कि कच्चा फूट जो होता है वो कौन खा हैं प्योर कास्ट जो होती है आपकी वो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर इम्पोजिंग सच डिबिलिटीज एज इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली इनको प्रोहिबिट किया गया है अदरवाइज ये सारी चीजें प्रैक्टिस होती थी सिविल एंड रिलीजियस डिसबिलिटीज ये हमने जब जी एस गुरिये पड़ा था मैंने आपको वहाँ कहा था सेम वेल well से पानी नहीं पीना वो ब्रिज क्रॉस करने की एग्जाम्पल वो सारी यहाँ पे आती है सोशल मोबिलिटी ऑल पॉसिबल है जिसे श्रीनिवास ने बताया थ्रू द प्रोसेस ऑफ साम्सक्रिटाइजेशन लेकिन इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ क्लोज सिस्टम सेगमेंटल डिवीजन की कास्ट के अंदर भी आपको वेरियस सेगमेंट्स मिलेंगे आपको कास्ट के अंदर भी काफी सबकास्ट मिलेंगे और सबकास्ट के भी फर्दर आपको सबकास्ट मिल सकते हैं इनका एक कॉमन नेम हो सकता है एंड कॉमन डिसेंट सबकास्ट एंड कास्ट जो होती है वो यूजुअली खुद को ट्रेस करती है किसी कौन एनसेस्टर से वो एनसेस्टर रियल भी हो सकता है एंड मैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी भी हो सकती है जैसे आपके गोत्रास के में ठीक है

सम कास्ट बेनिफिड ग्रेटली फ्राम द सिस्टम वाइल अदर्स वाइफ ऑफ एंडलेस लेबर एंड सबॉर्डिनेशन जो आपकी लो कास्ट होती है अभी भी देख लो जो आपकी मैनुअल स्किंग में इन्वॉल्व होती है इस काम में वो कौन लोग हैं आपके वो आपके दलित सी हैं मैनस स्केवेंजर्स तो ऐसे काम लो मीनियल जॉब्स मतलब बिल्कुल ही ऐसे काम जो कोई और नहीं करना चाहेगा वो आपके दलित को करनी पड़ती है सो कॉल दलित या सो कॉल्ड लो कास्ट तो है सोसाइटी चेंज होने में टाइम लगेगा ये सही बात नहीं है पर फ़िलहाल के लिए ये ऐसा ही है कास्ट सिस्टम बिकेम एस्क्रिप्टिव इन नेचर इन पोस्ट वैदिक पीरियड एंड इट वॉज इन प्रिंसिपल इम्पॉसिबल फॉर पर्सन टू एवर चेंज हिज और हर कास्ट एस्क्रिप्टिव हमारे पास दो चीज़ें आती हैं एक आपके पास एस्क्रिप्शन है या एस्क्रिप्टिव बोलो एक आपके पास अचीवमेंट वाली बेस्ड अचीवमेंट बेस्ड चीज़ें हैं जो अचीवमेंट बेस्ड है उसको हम रिलेट करते हैं क्लास के साथ क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हो तो वो किस पे बेस्ड होगा वो आपके मेरिट पे बेस्ड होगा आपकी अच्छी एजुकेशन पे होगा अच्छी एजुकेशन एंड अच्छी इनकम पे ठीक है अकॉर्डिंगली जो आप अचीव करोगे लेकिन एस्क्रिप्शन होता है जो बर्थ बेस्ड चीज़ें होती हैं तो जहाँ भी कास्ट सिस्टम होता है उनके साथ हम क्या रिलेट करते हैं टर्म एस्क्रिप्शन हमेशा वो एस्क्रिप्टिव होता है और जो क्लास सिस्टम होता है वो आपका अचीवमेंट बेस्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेनी अबाउट डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम ने डायल्यूट किया है क्योंकि अर्बनाइजेशन सेक्यूराइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड आपका डेमोक्रेसी मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन सब चीजों ने इन चीजों को थोड़ा कम किया हुआ ऑल दो किसी न किसी फॉर्म में आपको एग्जाम्पल्स या ऐसे करंट को मिलता है ऐसा कुछ छोड़ ऐसे ब्रिज नहीं क्रॉस करने दिया एक दलित ग्रूम गोड़ी चढ़ा था तो उसको मार मार इतना मारा कि वो मर ही गया कि वो कैसे गोरी चढ़ा था क्योंकि वो एक दलित था तो ये सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी पर आपका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नोट का एक पॉजिटिव आउटलुक वाला आंसर होना चाहिए ठीक है आपको पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना है तो आपको ये जरूर लिखना है कि हाँ ये चीजें जो हैं वो कम हो रही हैं सोसाइटी में ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफाई हो रहे हैं मेम्बर्स नाउ चूज देयर ऑक्यूपेशन बाय फ्री विल एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी ने भी इफेक्ट किया है कास्ट सिस्टम को डिसेबिलिटीज़ को बैन किया गया थ्रू वेरियस लेजिस्लेश कास्ट बेस्ड पोलिटिकल पार्टीज पर फॉर्म अब लोग क्या करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बेनिफि दिए हैं तो लोग अपनी कास्ट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास कास्ट बेस्ड पोलिटिकल पार्टीज आई हैं कास्ट एसोसिएशन आई हैं जो क्या करते हैं जो रीअफ़र्म करती हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी एलिजेंस जो है वो शो करती हैं टूअर्ड्स तो एन कास्ट इलेक्ट्रिकल ने भी प्रोवाइडर बेस टू द न्यूमेकल स्ट्रेंथ एंड अ वॉइस डिप्रेस्ड कास्ट क्योंकि कास्ट में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी लो कास्ट में इंडिया की तो जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो आपके लिए एक वोट बैंक बनता है क्योंकि उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है इस चीज से उनको क्या मिलती है एक वॉइस मिलती है क्योंकि उनके भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पोलिटिकल पार्टीज में जो उनके ग्रीवियंस को पुट फॉरवर्ड करते हैं पार्लियामेंट में तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने हेल्प किया है इन चीजों को आगे बढ़ने में दिस इज ऑल्सो लेट टू द कास्ट ग्रुप एज इंटरेस्ट आर बिकमिंग मोर एसर्टिव एंड आर नाउ लेवरेजिंग अपॉन देर नंबर्स ठीक है अब वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है तो वो क्या करते हैं वो अपने इंटरेस्ट को जो है एक आ, आ, सही तरीके से सामने लेके आते हैं दीज न्यू डेवलपमेंट्स हैव सम ऑफ द टिपिकल फीचर्स ऑफ कास्ट वाइट अदर फीचर रिमेन परसिस्टेंट ठीक है तो काफ़ी फीचर जो है वो डाइल्यूट हो गए हैं लाइक आपका कच्चा फूड पक्का फूड इवन रेजिडेंस में भी कच्चा मकान एंड जो आपके ब्रिक्स एंड वो वाला मकान उसमें भी पहले डिफरेंस हुआ करती थी लेकिन वो भी चीजें जो है अब चेंज हो गई हैं लेकिन कुछ कुछ फीचर्स जो है कास्ट सिस्टम के वो अभी भी परसिस्टेंट है वो देखने को मिलेंगे आपको ये था आपका हिंदू सिस्टम हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम अब हम देखते हैं कास्ट इन अदर रिलिजन इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियनिटी में भी ठीक है एंड मुस्लिम्स में भी देखो हुआ क्या क्रिश्चनरीज के आने के बाद काफी लोग जो है ब्रिटिश के टाइम पे जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो काफी लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया लेकिन कन्वर्ट करने के बाद आप जस्ट अगर आप लोअर शूद्र हो और आप कन्वर्ट कर रहे हो क्रिश्चियंस में तो वहां पे भी आपको लोअर ही कंसिडर किया गया ठीक है तो जो कास्ट सिस्टम की आइडियोलॉजी है जिससे वो भाग रहे थे जब वो नए रिलीजन में गए वो रूल और वो फ्रेमवर्क जो है उनके साथ नए रिलीजन में चला गया और वहां पे भी वो लो कास्ट के हो गए वहां पे भी उनको बैकवर्ड और दलित दो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी पर कंसिडर उनको सोकोल्ड so दलित या सोकोल्ड बैकवर्ड कास्ट ही किया गया एज अ प्रोसेस ऑफ कल्चर डिफ्यूजन का जो कास्ट है इम्पेक्ट अदर रिलिजन ऑल्सो हिंदुइजम में कास्ट सिस्टम था इसने इम्पैक्ट किस पे डाला आपके क्रिस्टियनिटी पे भी एंड फर्दर आपके इस्लाम पे भी मुस्लिम क्रिस्चियस वगैरह कन्वर्टेड मुस्लिम एंड क्रिश्चन वो भी कास्ट सिस्टम इन वन और ददर फॉर्म प्रैक्टिस करने लगे द कास्ट सिस्टम अमंग इंडियन क्रिस्चन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटिफिकेशन बाई सेक्ट लोकेशन कास्ट ऑफ देर प्रोडसेसर्स जहाँ से वो कन्वर्ट हुए हैं जो उनका ओरिजनैलिटी है सोशल प्रैक्टिस अमंग सर्टन इंडियन क्रिश्चन जो है दे पैरल मच ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड विद लोअर कास्ट एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटी जो हिंदू बींग हिंदू आप फेस कर रहे थे बींग इंडियन क्रिस्चियन भी आप वही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो अबाउट सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ जो इंडियन क्रिस्चन है वो मेम्बर्स हैं दलित और बैकवर्ड क्लासेस के जिनके जिनने कन्वर्ट किया था टू एस्केप दिस्ट हार्डशिप्स ऑफ द कास्ट सिस्टम पर्टिकुलरली जुरिंग कलोनियल पीरियड जब मिशनरीज यहाँ पे एक्टिवली जो क्या कर रहे थे आप अपना जो क्रिश्चन कन्वर्जन एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रहे थे कास्ट सिस्टम एंड क्रिश्चियन दो रीजंस की वजह से थी एक तो था पहले जो इन्फ्लुएंस हुआ था हिंदुइज्म का क्रिश्चियनिटी पे सेकेंडली द लेस प्रिविलेंट रीजन इज दैट देर वर एग्जिस्टिंग कास्ट लाइक इंटरनल क्लासिफिकेशन बिटवीन क्रिश्चियंस तो पहला हिंदुजम का जो इन्फ्लुएंस था क्रिश्चानिटी पे तो उसका कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस हो गया एंड सेकंडली क्रिश्चैनिटी के अंदर भी कुछ इंटरनल क्लासिफिकेशन प्रेजेंट थी सेंट थॉमस क्रिश्चन ऑफ केरला जो थे वो खुद को हाई स्टेटस देते हैं क्योंकि वो कहते हैं दे वर अर्स्ट वाइल कास्ट हिंदूज लाइक नंबूदारी ब्राह्म

ये जो कन्वर्टेड लोग थे इन्होंने रिटेन किया अपना कास्ट स्टेटस गोवा में जो मास कन्वर्जन है कैरीड आउट बाई पोर्टुगीज लेटन सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन मेनी इंस्टेंसेस जो हिंदू कन्वर्ट्स हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रिटेन की जैसे यहाँ पे कि हम नंबूदारी ब्राह्मण से अब हम क्रिस्चियस बन गए हैं लेकिन हम हाई कास्ट क्रिस्चन्न ही हैं है जो थे वो बन गए क्रिश्चन जो क्षेत्रियाज एंड वेशियाज थे वो बिकेम दे बिकेम क्रिश्चन नोबल मैन कॉल चार्डोस तो आप देख रहे हो बेमोन्स चार्डोज यहाँ पे भी वो एक सिस्टम जो है का कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, वो इस सोसाइटी क्रिश्चियन सोसाइटी में भी आ गया जो क्रिश्चियन क्लर्जी है वो एक्सक्लूसिवली बैम्स थे जैसे आपके हिंदू ब्राह्मण थे दो वेशवा जो एडमिट नहीं हो सके चार्डो कास्ट में दे बिकेम गाउडास बिकेम सुधीर्स तो फाइनली जो दलित और अनटचेबल्स थे हु कन्वर्टेड टू क्रिस्टानिटी बिकेम महारसंत चमार्स ठीक है तो आपको क्या मिला फाइनली जो ब्राह्मण्स थे और आपके प्रीस्ट जो थे मोनोपोली मोनोपोलिथियो तो प्रीस्ट के पे है ब्राह्मण्स की है वो आपके बन गए बैमोन्स आपके Christians हैं ठीक है पे पे और यहां पे आपके हिंदूज हैं और जो आपके यहाँ पे क्षेत्रियाज एंड विश्वास थे वो आपके बन गए चार्डोस जो आपके नोबलमैन थे ठीक है वॉरियर्स एंड बिजनेसमैन वो दोनों यहाँ पे कंबाइन हो गए अब जो लोग रह गए थे जो लोग आपके चार्डोज नहीं बन सके थे उनके लिए एक नई कास्ट आ गई जिसको हम बोलने लगे गॉडोज गोडोज जो इन तीनों के बाद जो शूद्रास रह गए थे यहाँ से आपके शूदराज थे वो शूद्रास क्रिश्चियंस में बन गए सुधीर्स ठीक है और एक थे आपके आउटसाइड द एमबिट ऑफ कास्ट सिस्टम दैट इज योर दलित और अनटचेबल्स ठीक है वो यहाँ पे क्या बन गए महारसन चमार्स तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो हिंदू कास्ट सिस्टम था उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा क्रिश्चियनिटी में कास्ट सिस्टम पे क्रिश्चियनिटी की कास्ट सिस्टम कैसी थी अगर तो कंपैरिजन वाला आ गया आप सीधे ऐसे करके ये ड्रॉ कर सकते हो कि कौन सी कास्ट क्या बन गई तो अपने नोट्स में एक टेबल फॉर्मेट में एक टेबुलेशन टेबुलर फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हो जो आपको ईजी हो जाएगा फाइनली रिविजन के लिए तो ये आपका पहला रीजन हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम किस में आया था क्रिश्चन्स में सेकेंड रीजन क्या था uh, कास्ट सिस्टम का आने का कि उनमें अपनी इंटरनल क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट थी बिटवीन क्रिश्चियंस ठीक है तो जो अर्लिएस्ट रेफरेंस ऑफ कास्ट हमें देखने को मिलता है इंडियन क्रिश्चन्स में वो कहाँ से आता है केरला से ठीक क्रिश्चन इन केरला उनको सिविल कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया है इंक्लूडिंग अपर कास्ट सीरियन क्रिस्चियंस एंड लैटिन क्रिश्चंस इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो अन्टचेबिलिटी थी इट वॉज ऑल्सो प्रविलेंट इन केरला जो सीरियन क्रिस्चन है ऑल्सो प्रैक्टिस इन इन ऑर्डर टू मेंटेन देियर हाई स्टेटस इवन टूडे जो सीरियन क्रिश्चन है कम्युनिटी अकॉर्ड्स इट्स एल्फ हाई स्टेटस एंड ऑपरेट्स लाइक ए कास्ट इंडियन लॉ डज नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बेनिफिट्स जैसे आपके रिजर्वेशन वगैरह के बेनिफिट्स हैं फॉर दलित क्रिस्चन लेकिन क्रिश्चन हैव बिन एजुटेटिंग फॉर द सेम ठीक है तो ये दो रीजन्स हो गए एक तो हो गया जो अपने अप, जब इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म आप देखोगे तो उसमें ये बैमोन्स वगैरह वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा सेकंड इंटरनल क्लासिफिकेशन में आपको किसका लिखना है केरला का केरला में आप क्या करते थे सीरियन क्रिश्चियंस से और लैटिन क्रिश्चियंस से अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती थी एंड सीरियन क्रिश्चियंस जो थे वो अपना हायर स्टेटस मेंटेन करने के लिए इवन टूडे वो ऑपरेट लाइक दे ऑपरेट लाइक अ कास्ट और कास्ट जो एज एन इंस्टीट्यूशन उन्हें मेंटेन रखा हुआ है और दलित क्रिश्चियंस के लिए पॉजिटिव uh, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस्लाम का जो कास्ट डिवीजन है वो देखने के लिए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं पहले मैं आपको टेबल उसका बना के देती हूँ फिर आपके लिए वो इजी हो जाएगा समझना तो देखो है क्या बेसिकली इस्लाम को इगैलीटेरियन रिलीजन कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे भी और इस रिलीजन में क्या है इक्वालिटी है ठीक है इक्वालिटी है लेकिन हिंदू रिलीजन के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर इस रिलीजन में भी क्या हो गया है कास्ट सिस्टम के जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अब वहाँ पे कौन कौन सी कास्ट सिस्टम्स कौन कौन सी कास्ट है मुस्लिम्स में एक आपके अशरफ्स से जिनको हाई कास्ट बोला जाता है एक आपके अजलाफ्स हैं जो लो कास्ट के हैं एंड इसे हट हटके एक और कास्ट है अर्ज़ल्स वो आपके अनटचेबल्स हैं जैसे आपके वहां पे दलित आउटसाइड द वर्ण फ्रेमवर्क अवर्णा में थे वैसे ही आपके यहाँ पे अर्जल्स हैं जो कौन से हैं आपके अनटचल हैं या उनको क्या बोला जाता है जो एक्सट्रीम सबसे लो कास्ट कैटेगरी के, के आते हैं ठीक है तो लिटरली अर्जल का मतलब होता है जो डिग्रेडेड फॉर्म का होता है डिग्रेडेड फॉर्म अब जो अशरफ है ये खुद को कहते हैं कि हम फॉरन एंसेस्ट्री से आए हैं फॉरन एंसेस्ट्री है इनकी एंड जो अजलाफ्स हैं वो आपके इंडिजिनस पॉपुलेशन जो हिंदू पॉपुलेशन के हैं लोग वो इंडिजिनस कन्वर्टीज हैं वहां से कन्वर्ट हो गए जो अजलाफ बने हैं, ठीक है ये आपके हाई कास्ट के हैं ये आपके लो कास्ट के हैं तो फॉरेन एंसेस्ट्री से इसमें आपको चार डिविजन देखने को मिलेंगे सैयद शेख मुगल्स एंड पठान ठीक है अब जो यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन ने कन्वर्ट किया या तो वो क्या हो गया तो अशरफ्स में घुस गए एंड जो लो कास्ट के कन्वर्टीज थे वो आपके अजलाफ्स कहलाने लगे फॉर एग्जाम्पल आपके बारबर्स नाई जिनको बोला जाता है ठीक है ऑयलमेन वो आपकी तेली कास्ट तो वो कौन बन गया आपके अजलाफ और जो वो वाले कन्वर्टीज़ आपके जो हाई कास्ट में मिल गए जैसे जो ब्राह्मण्स ने अगर कन्वर्ट किया तो वो खुद को क्या बोलने लगे सैयद तो वो सैयद कास्ट में गए एंड जो राजपूत से आपके वो शेख मुगलिया पठान कास्ट में गए तो इसके अलावा जो लोग जैसे बारबर थे ऑयल मैन वॉशरमैन अगर उनने कन्वर्ट किया वो लो कास्ट में चले गए जिसका नाम था अजलाफ एंड आपके अनटचेबल्स कौन से हो गए अरजल ठीक है तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी बुक पे आपके लिए ईजी हो जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग अब देखते हैं यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है इस्लाम जो इट इज कंसिडर्ड एज एगैलीटेरियन रिलीजन ठीक है लेकिन हुआ क्या रीजनल वेरिएशंस की वजह से ड्यू टू कल्चर कॉन्टेक्ट विदर रिलीजन हिंदू कल्चर यहां भी देखने को मिला मुस्लिम अजलाफ़ में अशरफ जो है वो क्लेम करते हैं सुपीरियर स्टेटस क्योंकि वो डिराइव हुए हैं फॉरेन एंसेस्ट्री से और जो नॉन अशरफ सेज फ्रॉम ठीक है जो हिस्टोरिकली आपके सईद शेख मुगल एंड पठान है वो कौन से बनाते हैं आपके अपर स्ट्रेटा रूलर्स अमंग द मुस्लिम्स और वो कन्वर्ट्स जो एंड कन्वर्ट्स जो हैं जो है हिंदू के वो कौन से बन गए आपके अजलाफ लोअर ऑर्डर फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट्स में जो ब्राह्मण्स थे वो बन गए सैयद राजपूत सैयद राजपूत थे राजपूत कन्वर्ट थे वो किसके साथ मर्ज हो गए शेख मुगल या पठान के साथ ये आपके वो कन्वर्टीज के कन्वर्टीज थे हिंदू वो मुस्लिम्स में किसके साथ मर्ज हो गए अशरफ्स के साथ अब जो लो ऑक्यूपेशन कास्ट वाले आपके कन्वर्टीज थे हिंदू वो किसके साथ मर्ज हो गए आपके अजलाफ्स के साथ तो उसमें जो नाई दुनिया कुमार एंड टेली वगैरह आते हैं एम एन श्रीनवासा ने भी कहा है स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन मुस्लिम्स में भी होती है इसके एडिशन के अलावा हमारे पास अर्जल कास्ट भी है जैसे मैंने कहा था वो डिग्रेडेड फॉर्म इसको बोला जाता है स्टैंड फॉर द डिग्रेडेड वन और वो इक्वलेंट है आपके अनटचेबल कास्ट के अर्जल कास्ट को फर्दर आप सब डिवाइड करते हो बनर मोगता मेहता कस्बी लाल बेगी हलाल खोर वगैरह में ठीक है बंगाल रीजन में जो मुस्लिम्स हैं वो सर्टिफाई करते हैं सोसाइटी को अकॉर्डिंग टू देर कोम्स वहाँ पे कॉम टर्म यूज़ किया जाता है कास्ट डिवीजन अमंग मुस्लिम्स इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पोडिशन जैसे हिंदूज में है लेकिन बाकी कंसिडरेशन है जैसे सेक्टेरियन डिवीजन है हिंदू शिया एंड सोनी में एथनिक डिवीजन है मुस्लिम सोसाइटी में जैसे सिंधी बलोच पंजाबी एट्सट्रा एंड ट्राइबल क्लान

नेक्स्ट में हम वेरियस पर्सपेक्टिव्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑन द कास्ट कि लुई डुमो ने क्या बोला ठीक है फिर आपको बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला ऐसी ऐसी सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखनी है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे